नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं टीएसडी न्यूज लाइव। हर सच्ची खबर पर आपकी नजर, मैं हूं आपके साथ में। किया है नजर डालते हैं आज की। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में चुनाव आचार संहिता लगते ही जिलाधिकारी ने की पत्रकार वार्ता। सोशल मीडिया व्हाट्सएप पर होगी कड़ी निगरानी। आपको बताते चले कि आचार संहिता के लगते ही वाराणसी में जिलाधिकारी सुरेंद्र सिंह ने पत्रकार वार्ता कर कहा, सोशल मीडिया व व्हाट्सएप पर चुनाव प्रचार नहीं होंगे, सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखी जाएगी। रोड शो में 10 वाहन एक साथ शामिल होंगे। किसी प्रकार के चुनाव के दौरान प्रलोभन देने व धमकाने वाले सीधे जेल जाएंगे। साथ ही कहा कि चुनाव निष्पक्ष होगा, किसी भी तरीके से चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले को सीधा जेल भेजा जाएगा। वाराणसी से कुलदीप कपूर की रिपोर्ट। होगा ना कि पर्सनल लाइफ पे कोई किसी तरह का कमेंट नहीं किया जा सकता है। जो प्रचार के माध्यम है, वीडियो वैन जो होती है, उसको उसकी अनुमति सीईओ ऑफिस से होगी, उसका जिला स्तर से नहीं होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट के बाद एक चीज और हो गई है कि किसी भी तरीके का पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट, किसी भी तरीके का पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वो सर्टिफाई होगा एमसीएमसी से। एमसीएमसी जो हमारी सेल बना है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में, दैट इज मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी। इसमें मीडिया के भी प्रतिनिधि हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये हर इलेक्ट्रॉनिक एडवर्टाइजमेंट को स्क्रीन करके सर्टिफाई करेगी, तभी वो चल सकता है। इसमें अगर कोई ऑब्जेक्शनेबल चीज लगेगी, वो उनको बकायदा विधिवत रूप से बताएंगे लिखित पड़त में, उसके बाद वो फिर चेंज करके देंगे। और तब तक वो चेंज करते रहेंगे जब तक कि ये कमेटी सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि हाँ, अब ये प्रसारित करने लायक है। पहली बार एक नई चीज आई है इस इलेक्शन में कि आप व्हाट्सएप पे भी अगर कोई कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी कोई है, 1862 हमारे पोलिंग स्टेशन है और 1058 शहरी क्षेत्र में है, यानी कि शहर की जो हमारी 3 विधानसभा मेनली उनमें स्थित है। इस बार का इलेक्शन पिछली